तो सरकारी मदद कुछ नहीं मिली? कुछ नहीं मिली। हम तो यहाँ रोड पे कितने लड़ गए, कितना भंगड़ हो गए, कोई सुनवाई नहीं। कुछ ना मिलल हमन के, गरीब आदमी है जाए रोड पर मरल जाए केहू सुनवाई। आ सब मांगे आई वोट, का मांगी बाकी वोट दिया जाए केहू लोग की ना दोबारा। माहौल दो ही आदमी का लग रहा है, दोनों आदमी का एकदम बराबरी टक्कर चल रही है, अब वही में जे निकल ले इसी के चल रहा है अभी माहौल में। खुल के बोलिए महाराज, हम खोल के नहीं बोलेंगे। जनता मूड बना चुकी है, अब कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। कोसी में कुछ काम करे के चाहिए, खाली चुनाव जीते के चाहिए। क्या नाम है आप? प्रेमचंद यादव। इसीलिए चाचा, क्या बाहर वाले यहाँ वोट आके देंगे? अरे आप खुद बाहर के हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ जब ग्राउंड रिपोर्ट करने में और मेरे सहयोगी प्रशांत पहुंचे तो सड़क के किनारे कुछ लोग दिखाई दिए जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर झंडा बना रहे हैं। और झंडा क्यों बना रहे हैं, इसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 तारीख को यहाँ चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे और इसकी तैयारियों को लेकर के एक ठेका इन लोगों को दिया गया है जो कि सड़क के किनारे रहते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के झंडों में बांस लगा रहे हैं और ये झंडे मुख्यमंत्री की सभाओं में और घोसी की सड़कों पर लगाए जाएंगे। एक शख्स हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर मऊ के घोसी सीट पर चुनावी मुद्दे क्या हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? नाम क्या है? हमारा सीताराम नाम है। तो सीताराम जी, ये झंडा जो बना रहे हैं, ये आप पार्टी में हैं, बीजेपी में हैं या आपको काम वाम मिला ठेका में? नहीं नहीं, हम लोग काम पर है, हम लोग किसी पार्टी में नहीं है। अच्छा। हम लोग खाते कमाते हैं टोकरी वोकरी बनाकर, बस यही हम लोग का काम है। बांस का काम कर? हाँ, हम लोग मिला है मजदूरी पर बनाने के लिए फटी वटी झंडी वंडी, तो हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, तो झंडा भाजपा वाले पहुंचा देते हैं और आप लोग उसमें बांस का डंडा लगा? हाँ, बांस फटी चीर का हम लोग बना देते हैं। कितनी कमाई हो जाती है? कमाई कितनी हो जाती है? कमाई क्या होती है साहब, हमारे कोई कमाई का गिनती नहीं है कि 100 होई कि 50 होई कि 200 होई, कोई वो भी नहीं होता है। यही तो हम लोग की खेती बाड़ी है, यही मजबूरी है। तो मूल रूप से क्या बांस का ही काम करते हैं? हाँ, बांस से काम करते हैं। हम लोग के पास नौकरी नहीं है, आना कोई शिक्षा है, बस हम लोग अपने यही टोकरी वोकरी बांस चीरते हैं, टोकरी बनाते हैं, अब पेट पर्दा चलाते हैं बस। कितने झंडे का ठेका मिला है? ये हम लोग को मिला है यहाँ से वहाँ तक ले 1800 झंडे का ठेका मिला है। कितने दिन से आप लोग बना रहे हैं? आज 3 दिन हो गया। तो यहाँ तो चुनाव हो रहा है, पता ही है आपको माहौल का? अब माहौल यही तो बता रहे हैं कि 10-11 आदमी तो उठे हैं लड़ाई पे, बाकी माहौल दो ही आदमी का लग रहा है, सुधाकर सिंह का, धारा सिंह का, बस। ज्यादा माहौल किसका, आप लोग तो यही रहते हैं? ज्यादा माहौल तो हम देख रहे हैं तो दोनों आदमी का एकदम बराबरी टक्कर चल रही है, अब वही में जे निकल ले। हाँ, बाकी हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन जीतेगा, बस 2 आदमी में जो भी निकल जाए। अच्छा, आप लोग यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ 35-40 बरस से हैं। तो घर वर बना लिया? घर और कुछ नहीं साहब, न जमीन है, न घर है, न द्वार है। हम लोग की 12 जड़ से जो है कि 150 का संख्या है, आ 150 के संख्या में हम जान रहे हैं कि 1 मंडा 1.5 मंडा जमीन है और उसमें 2-4 घर बना है बस, और कुछ नहीं बना है, अन्य जगह जमीन कहीं है। तो सरकारी मदद कुछ नहीं मिली? कुछ नहीं मिली। हम तो यहाँ रोड पे कितने लड़ गए, कितना भंगड़ हो गए, कोई सुनवाई नहीं। सरकार तो मकान देती है, गैस सिलेंडर देती है, राशन कार्ड बना देती है, राशन मिल जाता है फ्री में, ये सब मिलता है? ठीक है साहब, वो सरकार दे रही है तो जिसका है उसी को दे रही है, हम लोग के नहीं दे रही है। हम लोग तो पूछते ही नहीं है कि आप लोग क्या करते हो, कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो, क्या तुम लोग की समस्या है, कोई नहीं पूछा आज तक ले। अच्छा, इस सीट से फागू चौहान भी विधायक रहे, मंत्री भी रहे, राज्यपाल बन गए, विजय राजभर भी रहे, फिर दारा सिंह चौहान भी रहे, फिर दारा सिंह और सुधाकर सिंह में लड़ाई और सुधाकर सिंह भी पहले विधायक थे। तो इसमें मदद कौन करता? मदद यहाँ की जो है कि एक घोसी भर में तो हम जानते हैं कि सुधाकर सिंह सुनवाई करते हैं, कोई भी माने में कोई भी बात पड़ता है तो दौड़ के उन्हीं की ओर जाते हैं लोग। हैं, फागु चौहान थे
आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वहाँ कोई नहीं जाता था जल्दी। एक घोसी में घटना हो गया तो वहाँ जाते जा जाएगा, आइए इधर ये हैं जाते हैं लोग भाई मदद करते हैं, हम तो यही देखते हैं। ताकर सिंह मदद कर, हाँ बिल्कुल। बाकी दारा सिंह चौहान वो भी तो मंत्री भी थे फिर यहाँ से। अरे दारा सिंह चौहान मंत्री थे भी, विधायक भी थे। जब अब आज के डेट में हम बता रहे हैं कि ये चुनाव है ना, अब लोग रहे हैं, फिर जब चुनाव हो जाएगा तो नहीं लोकेंगे। अच्छा, ये रोड पर जो है कि हम लोग नहीं देखते हैं ना पूछते हैं। तो आप झंडा बना रहे हैं भाजपा का और कह रहे हैं कि मदद सुधाकर सिंह करते हैं। बिल्कुल भाई, जो बात सच सच हम कह रहे हैं, ये तो हम मजदूरी बन कर रहे हैं। जैसे आप भी कह देंगे कि हमको ये बना दो, हम पैसा दे रहे हैं बना देंगे, ये कहेंगे बनाने के लिए तो बना देंगे, यही काम है। ये नहीं है कि हम ये जाकर उनसे पूछ के मांग कर तो बना रहा हूँ, नहीं नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव भी आए थे यहाँ प्रचार करने, योगी जी भी आ रहे हैं यहाँ प्रचार करने, तो बड़ा मतलब इस चुनाव को लेके जो है बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं सड़कों पे रोज, दिन भर आप लोग देख रहे होंगे। अरे साहब, जब आते हैं लोग तो पोंछ पोंछ कर चल जाते हैं, फिर उधर से पोंछ पोंछ कर चल जाते हैं, हैं लाइन लगी रहती है गाड़ी के बाकी, हम लोग की तरफ कोई नहीं ताकता है कि हम कैसे आदमी है लोग। आप इसी टीन शेड का ये जो बनाए हैं इसी में रहते हैं? बस इसी में रहते हैं, झोपड़ी बड़ी है बस। तो जब नेता वोट मांगने तो आते होंगे ना, उनसे नहीं बोलते हैं कि भाई हमारा घर बनवा दो? क्या है, मांगते हैं हम लोग बहुत कहते हैं कि अरे साहब हम लोग के ये नहीं है वो नहीं है, हम लोग ऐसे हैं, कहते हैं लोग कि बस बस आप लोग का व्यवस्था होगा, बस इतना ही कह के चले जाते हैं, व्यवस्था कहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं। महिलाएं भी हैं, इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाची? बतिया भाई, बतिया। नहीं नहीं, क्या नाम है आप बताइए, शर्माइए नहीं, हम ऐसे पूछ रहे हैं आपसे, क्या नाम है आपका? आओ अम्मा, यहाँ आओ, यहाँ का है, क्या नाम है तुम्हारा? शीला। शीला, हाँ। कुछ सरकारी मदद मिलल है? कुछ नहीं। गैस सिलेंडर वेलेंडर कुछ ना मिलल है, मन के गरीब आदमी है, जही रोड पर मरल जल केहू सुनवाई कुछ ना होला, आ सब मांगे आई वोट, का मांगी बाकी वोट दिया जे केहू लोग की ना दोबारा। झंडा तो बनावत हो तू लोगन? अरे तो ई झंडवा ई हेर बनावत, जरूरी कुछ कोनो सुविधा ना हम इनके। अच्छा। और वो नेता कहना तो बनावत ही जाए। माहौल के करे कौन चीज? कमल के फूल के माहौल है, साइकिल के माहौल? साइकिल का, साइकिल का झंडा तू लोग बनावत हो भाजपा? अरे तमन के बांस भी नहीं वाला, जे केहू कुछ कह दी तमन बना दे। अरे हम नेता के छोड़ के कहाँ जाये? कौन नेता? ये सुधाकर। सुधाकर मदद कर कायन कौन बात रहेला तो कल जला तो सुन लेना। दारा सिंह सब सुनेला भाई, अब लामे का बाण तो नहीं सुन पहले कल देख। ढेर मदद के करेला, ज्यादा मदद कौन करता? सुधाकर करे ना। अच्छा। उनका माहौल ज्यादा ठीक है? अच्छा, तू लोग के दिक्कत का था है? ये कि जमीन उमीन कुछ अमन के ना दे हवे, इतने में कुल लड़का परिवार सब लेके जियल मरल जले जने। ये बात हम आने के कोई बसा दो लोग, खूब बढ़िया घर अमन के जमीन दे दो लोग, ऐसे बढ़ के का है। सिलेंडर मिला कब? खाली हमके मिलल और केहू के ना मिलल। हाँ खाली हमके। कितना के सिलेंडर मिल जाए? अमन के फ्री वाला है। हाँ फ्री मिले। मकान? मकान कुछ न। शौचालय? कुछ ना कुछ ना। राशन? राशन हुए मिले ला खाली। मेडिकल वाला कार्ड बना है? नहीं मेडिकल वाला कार्ड बना लगे, मेडिकल वाला कार्ड, मेडिकल वाला कार्ड नहीं बना है। नहीं नहीं। तो सरकार से क्या चाहते हैं आप? अरे ये मन जमीन चाहते हैं, जा घर द्वार चाहते हैं, जाके परिवार मन को बस जाए, कहूँ अच्छा से रह जाए। कुछ और लोग हैं यहाँ पे स्थानीय, हमें देख के खड़े हो गए, इनसे भी जरा बात करते हैं कि चुनाव का माहौल क्या है। भैया क्या नाम है आपका? कैलाश चौहान। चौहान साहब, क्या माहौल है चुनाव? माहौल तो अच्छा ही चल रहा है। इसके बारे में फेवर में? अब फेवर में तो इसी का है, इसी के चल रहा है अभी माहौल में। खुल के बोलिए महाराज। हम खोल गए नहीं बोलेंगे। हाँ जी, क्या माहौल है सर? माहौल माहौल यहाँ बस सुधाकर सिंह है और कुछ नहीं माहौल है। अच्छा। हाँ एकदम। वजह कुछ? वजह अरे वहाँ के स्थायी नेता हैं, यहाँ के नेता हैं, और क्या वजह है? ये क्या है कि 6 महीना यहाँ 6 महीना वहाँ 6 महीना वहाँ, ये कोई राजनीति है?
ये कोई राजनीति दारा सिंह से क्या नाराज है? और दारा सिंह से, दारा सिंह आजमगढ़ से आए यहाँ चुनाव लड़ने, पहले तो यही नाराजगी है। अभी बीजेपी को गाली दे रहे थे, फिर बीजेपी में आ गए। इन नेताओं का, इन लोगों का क्या कोई चरित्र है? कुछ नहीं है। तो चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा है कि उनको भगाइए यहाँ से, आजमगढ़ जहाँ ताकत है तो आजमगढ़ से लड़ के दिखावे, किसी भी विधानसभा से जीत के हमें है ताकत, चले आते हैं लोग आजमगढ़ से लड़ने के लिए। यहाँ यहाँ नेता नहीं है। पिछली बार तो जीत गए थे यहाँ, पिछली बार जीत गए होंगे। हाँ, तो कैसे बार की अलग बात थी। हाँ, इस बार माहौल उनका, दारा सिंह का इस बार कुछ कोई माहौल नहीं है। आप बताइए भैया। जी बताइए। हाँ माहौल है। सुधाकर से वो जो घर के लाल है, घोसी के है, लोकली लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा, बाहरी का मुद्दा। हाँ, बाहरी का मुद्दा। तो यहाँ पिछले बार भी तो दारा सिंह चौहान लड़े थे, तो वो कभी बसपा में, कभी सपा में, फिर बसपा में, फिर सपा में, फिर भाजपा में, फिर सपा में, उन्हीं की वजह से चुनाव हो रहा है। क्या जरूरत थी चुनाव कराने की? आप लोग के हिसाब से मतलब उनको पार्टी नहीं बदलनी चाहिए? नहीं बदलनी चाहिए थी। और योगी जी भी आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने, कुछ असर होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो जहाँ जनता मूड बना चुकी है, अब कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। योगी जी तो खुद उनको भेजे हैं यहाँ, योगी जी बना देते एमएलसी, उनको बना के मंत्री बना देते। क्या जरूरत थी लड़ने लड़ने की? यहाँ नहीं था विजय राजभर, वो भी तो लड़ा था उपचुनाव, जीता चुनाव, यहाँ जनता जीता ही, वही वहाँ से चले आते हैं लड़ने। हाँ भैया, यहीं के हैं आप? जी। क्या माहौल है चुनाव? चुनाव का माहौल सही है। हम सुधाकर सिंह का एकदम सही है। अच्छा, यहाँ पे अखिलेश जी आए थे, योगी जी भी आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने, योगी जी का असर पड़ेगा? थोड़ा भी नहीं पड़ेगा। क्यों नाराजगी इतनी, किस बात की है? नहीं, यहाँ का सुधाकर सिंह जो है, यहाँ के अच्छे प्रत्याशी है और यहाँ का विकास के बारे में सोचते है, अपने लोकल के भी है। दारा सिंह चौहान है, आजमगढ़ के हैं, और आजमगढ़ तो उसके बाद तो पिछले बार तो यहीं जीते थे, तो यहीं जीते थे, लेकिन उनके बाद लोगों को पता नहीं था ना कि ये दारा सिंह भगेड़ू किस्म के निकलेंगे, वो भाग के निकल गए वहाँ आजमगढ़, फिर लखनऊ चले गए, तो पता ही नहीं चला। अब जो है कि अब यहाँ सुधाकर सिंह है, घर के लाल सुधाकर सिंह है। क्या माहौल है भैया? क्या माहौल है? वही जो देखने में तो लग रहा है कि दारा सिंह निकल रहे हैं, कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह। अब ऐसे कैसे माना जाएगा, जब मान जाए, अब आगे प्रक्रिया चल रही है, अब आगे देखा जाएगा ना। क्या नाम है? जी विवेक कुमार। विवेक कुमार जी। आपका? सोनकर नाम है, शिवा सोनकर। शिवा सोनकर। तो विवेक जी ये कह रहे हैं कि दारा सिंह बाहर के हैं, सपा में जीते, फिर भाग गए, यहाँ से वापस आ गए भाजपा में, ये सब को लेके नाराजगी है। इसमें हम लोग क्या कहेंगे? ये सब सारे लोग सुधाकर सिंह के पक्ष में है, लेकिन बस ऐसे कर रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं, कैसे आप कह देंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। क्या चाचा ये कह रहे हैं? भाजपा ही कह रहे हैं सपा, आपको क्या लग रहा है? सपा ही जीती भाई, कहा है कभी भाजपा में रहा, कभी सपा में रहा, काम कुछ और न करा, केवन काम कर ले बना, कोसी में को बेराइल बना। ये तो चुनाव भाजपा वाले कहते हैं कि दारा सिंह का चुनाव नहीं, भाजपा का चुनाव है, भाजपा बनाम सपा। लेकिन दारा सिंह कम से कम आवे के नहीं चाहिए, घोसी में कुछ काम करे के नहीं चाहिए, ये खाली चुनाव जीते के चाहिए। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर भी यहाँ बड़े मजबूत हैं, वो भी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। ओम प्रकाश का कोई मतलब थोड़ा ही है, ओम प्रकाश राजभर का कोई मतलब नहीं है। असर होगा उनका? अब उनका असर क्या, जब देखा जाएगा तब ना। अभी इसमें ओम प्रकाश राजभर के असर नहीं है, असर होगा भैया ना। ना खाली चले जाएंगे वहाँ जहूदाबाद। हाँ। जहूदाबाद चले जाएंगे, अब वहीं से अपना भाजपा के साथ आ गए हैं, वो कह रहे हैं घोसी उनका घर है। वो तो बस बात ही है, काम कुछ नहीं है ओम प्रकाश का। ये तो पहले अखिलेश के संग थे, इसके पहले मायावती के संग थे, अभी भाजपा में आए, कभी किधर जाएंगे, कभी वो आदमी का क्या भरोसा, आप ही सोचिए। वो तो बड़ा घोसी को कहते हैं ना कि घोसी उनका गढ़ है। कुछ नहीं गढ़ है भैया, वो तो कहते हैं कि यादों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, अब 12 बजे के बाद पहले कुछ भी कर दें तो कोई बात नहीं ना। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद यादव। इसीलिए चाचा, एक मिनट, 12 बजे खुलती है। क्या बोले थे? वो बोलते हैं कि यादों का बुद्धि 12 बजे खुलती है, अब 12 बजे के पहले उनको कुछ भी कर दें, दो डंडा मार भी दें, 10 गाली भी दे दें, तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। नहीं नहीं, हिंसा नहीं, हिंसा नहीं करनी। बात बोलता हूँ कि वो यही सही बोलते हैं कि 12 बजे बाद बुद्धि खुलती है, आप ही सोचिए। तो अखिलेश जी आए थे, गए थे सभा में?
ना मैं तो नहीं गया था भाई, काम था कुछ इसके लिए बच गया था। योगी जी आ रहे हैं उसमें जाएंगे? अरे जाएंगे जाने में क्या है, लेकिन जो आदमी काम करेगा, जो आता है, जो नजदीक का है वो तो खुश नहीं है। क्या बाबा की सरकार से लोग खुश नहीं है? बस जब बाबा बस तानाशाही में चल रहे हैं। आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं भाई, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ही है। कौन जीत रहा है? जीतने के लिए तो भाजपा ही जीतेगी। ये लोग कह रहे नहीं जीत रही है भाजपा। जो ये सपा की सरकार रैली हुई थी, जो बाहर से लोग आए हुए थे, क्या बाहर वाले यहाँ वोट आके देंगे? बताइए। अरे आप खुदे बाहर के हैं, आप खुद घोसी से बाहर के हैं। कैसे कह रहे हैं? कहाँ के हैं? अमिला के। हम अमिला के, अमिला जो है कि किधर के हैं? अरे महाराज इस पे मत झगड़ो, मधुबन विधानसभा पड़ता है, ये खुद बाहर के हैं। आप मधुबन के? अमिला मार्केट कहाँ का आप बताइए। हम तो भाई बाहर के बताए। नहीं चलिए, वो आप कहाँ के हैं वो अलग बात। आप इधर एक मिनट, आपसे पूछते हैं, कुछ महिलाएं हैं इन लोग से भी पूछते हैं। आप लोग यहीं की हैं? नहीं यहाँ की नहीं है, अमिला की है। अमिला घोसी वहाँ चुनाव है ना? हाँ। क्या माहौल है? ठीक है। भाजपा के? भाजपा जी। ये लोग जो दो तीन लोग कह रहे हैं कि सपा के पक्ष में जाएगा मैं, भाजपा। अच्छा भाजपा ने आप लोग को मतलब फायदा दिया है सरकारी? हाँ, क्या दिया? हमको आवास मिला है और फिर राशन भी तो मिलता है, पर उसके बारे में तरह तरह के लोग बात कर रहे हैं कि मतलब लूट के रख रहे हैं तो दे रहे हैं राशन आवास सब, रोजगार दुनिया का मार के दे रहे हैं लोग, ये सब मतलब तरह तरह की उनके बारे में बात कर रहे हैं लोग। हाँ। आप लोग क्या चाहती है? हम लोग, हमको तो क्या, हमारे यहाँ सबको घर मिला है मोदी की राज में, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं किया होगा। हाँ मोदी जी फायदा दिए? हाँ दिए हमको। आपको भी मिला? नहीं नहीं, लेकिन हम मोदी जी को मानते हैं। फायदा नहीं मिला तब भी मानते? हाँ मानते हैं, शायद मिल जाए। अच्छा उम्मीद है। हाँ तो देखिए यही है चुनाव के रंग, जहां कुछ लोग सपा कुछ लोग भाजपा कह रहे हैं, कुछ की अपनी नाराजगी है, कुछ को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। ऐसे में बहुत रोचक ये चुनाव है और घोसी इसलिए भी बहुत रोचक हो गया है क्योंकि यहां पर बड़े नेताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। अखिलेश यादव पहुंचे, योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँच रहे हैं और साथ ही इसको जो लड़ाई है इसको इंडिया बनाम एनडीए की मानी जा रही है। ये जो लड़ाई है इसमें ओम प्रकाश राजभर का भविष्य दांव पर है, इसमें दारा सिंह चौहान का भविष्य दांव पर है और साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी एक तरह से इस छोटे से एक विधानसभा के उपचुनाव को भी सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। तो क्या होगा क्या नहीं ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 को रिजल्ट आएंगे, लेकिन फिलहाल घोसी का माहौल क्या है ये मैं और प्रशांत आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए।